स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे जिन छात्रों ने ट्वेल्थ क्लास केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल के संबंध में सल्फर डाइऑक्साइड अर्थात SO2 टॉपिक तैयार किया है और इसका डायग्राम अपने चार्ट पेपर पर बनाया है। तो फ्रेंड आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको बताएंगे कि इस टॉपिक से एग्जामर द्वारा आप लोगों से कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं और उन सवालों का आप लोगों को क्या जवाब देना होगा ताकि आपका वाइवा सबसे अच्छा हो। तो स्टूडेंट यदि आप चाहते हैं कि आपका वाइवा पूरी क्लास में सबसे अच्छा हो तो बच्चों आप लोगों से मेरा विशेष रिक्वेस्ट ये है बच्चों कि एक बार वीडियो लेक्चर को पूरा जरूर देखें। लेकिन बच्चों आप एक बार वीडियो लेक्चर को पूरा देखोगे तो आपको पूरा 100% कॉन्सेप्ट समझ में आएगा SO2 का, ठीक है। तो आई स्टूडेंट बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को, समझते हैं पूरी बात को। तो देखिए स्टूडेंट जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 से आपसे एग्जामिनर द्वारा वाइवा में जितने संभव सवाल पूछे जा सकते हैं उन सवालों को मैंने ऑलरेडी स्क्रीन पर लिख रखा है। अब मैं बारी बारी से बच्चों इन सवालों को पढ़ूंगा और इनके आंसर आपको हाथ पर बताता हुआ चलूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए टाइम जैसे का पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं SO2 का किसका यौगिक है, SO2 ये किसका यौगिक है अर्थात किसका एक कंपाउंड है। तो बच्चों SO2 जो होता है ये सल्फर का क्या होता है बच्चों, यौगिक होता है। क्या था बच्चे, SO2 किसका यौगिक है बच्चों, सल्फर का यौगिक है। समझ में आ रहा है, देखिए सल्फर क्या है एक अधातु है और ये जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है, देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ आप लोगों को, देखिए सल्फर क्या ये अधातु है, ठीक है, और ये ऑक्सीजन से जब क्रिया करता है तो क्या अंतर बच्चों आपका SO2 बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। और एक बात मैं आपको बताता चलूं बच्चों, इसका जो नेचर होता है बच्चों ये कहता है एसिटिक होता है, क्या होता है अम्लीय होता है। ये बात आपको पता होना चाहिए कि जो अधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं यानी जब अधातुएँ ऑक्सीजन से क्रिया करती हैं तो वो क्या करती हैं ऑक्साइड बनाती हैं, तो अधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं बच्चों वो क्या होते हैं, वो अम्लीय होते हैं। और इसी चीज को बच्चों अगर उल्टा करें तो धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, क्षारीय होते हैं। क्या बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, अधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं जब अधातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके जो ऑक्साइड बनाती हैं, ठीक है, तो उनका जो नेचर होता है बच्चों एसिटिक होता है, वो अम्लीय होता है, ठीक है। और धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं बच्चे, वो क्षारीय होते हैं। सच मारा ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपसे ये पूछा जाए कि SO2 किसका यौगिक है बच्चों, तो SO2 बच्चों ये सल्फर का यौगिक है, किसका यौगिक है, सल्फर का यौगिक है, ठीक है। सच मारा नेचर कैसा है, नेचर इसका बच्चों क्या होता है, अम्लीय होता है। क्यों होता है अम्लीय ये अभी आगे चल के आपको दिखाएंगे इसको, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बच्चों, SO2 का अणुभार कितना होता है, SO2 का मोलिकुलर वेट कितना, वो आपको बताना है, ठीक है। चलिए देखिए मैं इसको समझाता हूँ कि SO2 का अणुभार कितना होता है। देखिए टेन सल्फर का जो अणुभार होता है, सल्फर का जो अणुभार होता है बच्चों वो कितना होता है, 32 होता है। कितना होता है, 32 होता है। देखिए ये जो सल्फर आप देख पा रहे हैं बच्चों सल्फर, तो सल्फर का अणुभार बच्चों कितना होता है, 32 होता है, ठीक है। अच्छा अब बच्चों ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। कितना होता है, 16 होता है। लेकिन ऑक्सीजन के बच्चे 2 मोलिकूल हैं, तो 16 को 2 से गुणा करेंगे तो 32 हो जाएगा, यानी इसको हम ले सकते हैं 2 × 16, तो ये भी बच्चों कितना हो जाएगा, 16 × 32, तो कुल मिलाकर 32 + 32 कितना हो गया बच्चों, ये 64 हो गया। कितना हो गया, 64 आ गया। कितना आ गया बच्चों, 64 आ गया। तो आपको पता रहना चाहिए कि SO2 का जो अणुभार होता है बच्चों कितना होता है, वो आपके वहाँ 64 होता है, यानी 64 होता है, आपसे पूछा जाता है, इसको याद कर लें स्टैंड, ठीक है। अच्छा आगे हम बात करें, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 वही है जो अभी आपको बता रहा था, SO2 अम्लीय होती है या क्षारीय होती है। ये जो SO2 है, ये भी याद रखना, SO2 एक गैस है, SO2 क्या एक गैस है, इसका नेचर पूछा गया, देखिए ये अम्लीय होती है या क्षारीय होती है। तो अभी स्क्रीन पर आप लोगों को बता रहा था कि SO2 होती है बच्चों ये क्या होती है, अम्लीय होती है, क्योंकि अधातुओं के जो ऑक्साइड है वो क्या होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। क्योंकि SO2 जो होती है बच्चों ना, ये अधातु का जो ऑक्साइड है, ये सल्फर अधातु है, ऑक्सीजन से क्रिया कर रही है, अपना ऑक्साइड बना रही है, तो यही ऑक्साइड तो तुम्हारा SO2 है जो आपने टॉपिक तैयार किया है, इसका नेचर कैसा होता है बच्चों, अम्लीय होता है। अब देखिए अम्ल की क्या पहचान है कि अम्लीय होता है, देखिए जब बच्चों हम इसकी अभिक्रिया SO2 की अभिक्रिया, देखिए मैं इसका एसिटिक नेचर बता रहा हूँ आप लोगों को, देखिए SO2 की अभिक्रिया यानी देखिए हम जब जल में करते हैं, कैसे करते हैं बच्चों, जल से, यानी अगर सिंपल वे में बोलूँ तो SO2 को जब जल में घोला जाता है, क्योंकि जल के अंदर बहुत ज़्यादा घुलती है, इस चीज़ को याद रखना, जल के अंदर ही बहुत ज़्यादा घुलती है, ठीक है। तो इसकी जब जल से अभिक्रिया होती है बच्चों H2O से, ठीक है, H2O से रिएक्शन होती है, ठीक है, तो बच्चों पत्ता जो बनेगा वो बनेगा सल्फ्यूरस अम्ल बनेगा। क्या बनेगा बच्चों, सल्फ्यूरस अम्ल का नाम देखिए हम लिख रहा हूँ, देखिए H2SO, ये बच्चों सल्फ्यूरस अम्ल, क्या है बच्चों, ये सल्फ्यूरस, इस चीज को याद रख लें, सल्फ्यूरस अम्ल, याद रहेगी आपको मेरी बात, यानी जब हम SO2 की अभिक्रिया जल से कराते हैं तो क्या होता है, सल्फ्यूरस अम्ल बनता है। देखो नाम में भी अम्ल आ गया, ठीक है। तो इसका जो नेचर होता है बच्चों क्या होता है, ये नेचर कैसा होता है, अम्लीय होता है, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा आपसे देखिए ऐसे पूछा है कि SO2 की
कोई रासायनिक अभिक्रिया समझाइए, तो एसेटो की रासायनिक अभिक्रिया आप यही बता सकते हैं। समझ मारा आप लोगों में, एसेटो की आप एक रासायनिक अभिक्रिया पूछिए तो यही आपको बता सकते हैं। समझ मारा, समझ मारा, क्योंकि ये एसेटो किससे अभिक्रिया कर रही है, वाटर से अभिक्रिया कर रही है, तो इस बात को याद रखें। ठीक है, आगे हम बात करें, देखिए ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा अभिक्रिया, मैंने ये बता दिया आपको, इसी रिएक्शन को आप इसका जवाब दिया जाए, क्योंकि अम्लीय प्रकृति भी बता दी आप लोगों ने, उसमें रिएक्शन की रिएक्शन भी हो गई। ठीक है, अच्छा आगे हम बात करने के SO2 के बारे में, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दी, क्वेश्चन 5 है SO2 जल में विलय है अथवा अविलय, तो ये तो अभी मैंने आपको बताया कि SO2 जो होती है बच्चों, ये जल के अंदर वाटर के अंदर बहुत ज़्यादा घुलनशील होती है, बहुत ज़्यादा घुलनशील होती है, तो जवाब आपका क्या होगा, ये SO2 जल में क्या बच्चों, ये विलय है, क्या ये विलय है। ठीक है, तो ये ऑप्शन खराब है, ये ऑप्शन ठीक है, SO2 के जल में होती है, क्या होती है बच्चों, बहुत ज़्यादा विलय होती है, यानी घुल जाती है जल के अंदर। ठीक है, अच्छा SO2 के उपयोग बताइए, ये आपसे जरूर पूछा जाएगा, SO2 के उपयोग क्या है, यूज क्या है इसका। ठीक है, तो बच्चों इसके उपयोग हैं, देखिए पेट्रोलियम के शोधन में, सुक्रोस यानी चीनी के शोधन में, ऊन तथा रेशम के व्यंजन में, चार चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, कम से कम दो आपको याद रहना चाहिए। देखिए किसकी यूज क्या है इसका, वो SO2 का उपयोग, ये आपसे 100% पूछा जाएगा इसके उपयोग क्या है। तो पहला उपयोग मैंने आपको क्या बताया, पहला उपयोग आपको बताया देखिए पेट्रोलियम के शोधन में, पेट्रोलियम के शोधन में पहला हो गया। ठीक है, दूसरा उपयोग बच्चों मैंने आपको बताया, इस चीज़ को लिख लें आप लोग, याद कर लें। ठीक है, दूसरा उपयोग बच्चों इसका ये है, सुक्रोज के शोधन में, चीनी को शुद्ध करने में। ठीक है, तीसरा उपयोग बच्चों क्या बताया मैंने आपको, तीसरा उपयोग बच्चों आप लोगों को बताया था ऊन के व्यंजन में, ऊन या रेशम के, मतलब दोनों के, ऊन तथा रेशम के व्यंजन में, यानी ये जो SO2 गैस होती है बच्चों, इसका नेचर क्या था, एसिटिक होता है, कि अम्लीय प्रकृति की होती है। ठीक है, और जब ये ऊन के संपर्क में आती है, रेशम के संपर्क में आती है, तो इसको क्या, उसके रंग को उड़ा देती है। तो किसी रंग, किसी कंपाउंड द्वारा, ठीक है, किसी पदार्थ का रंग को उड़ाने का जो गुण होता है वो उसका व्यंजन गुण कहलाता है। समझ मारा आप लोगों को मेरी बात, तो ये किसके लिए यूज होती है, ऊन तथा रेशम के व्यंजन में यूज होती है, यानी उनके रंग को उड़ा देती है, रेशम के ऊन को, ऊन के रंग को या रेशम के रंग को ये क्या उड़ा देती है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखेंगे, पेट्रोलियम के शोधन में, और मैंने दूसरा आपको बताया सुक्रोज के शोधन में, तीसरा आपको बताया ऊन तथा रेशम के व्यंजन में, व्यंजन का मतलब आ गया उनका रंग उड़ाना। ठीक है, अच्छा आगे हम बात करेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है SO2 कैसे बनाई जाती है, SO2 कैसे बनाई जाती है, तो इसकी दो विधियां देखो मैंने स्क्रीन पर लिख रखी हैं। पहली विधि है बच्चों देखो, सल्फर को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, सल्फर को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, ठीक है, तो क्या बनता है बच्चों आपका, SO2 बनता है, क्या बनता है बच्चों, SO2 बनता है। समझ मारा आप लोग को मेरी बात, ठीक है, ये सल्फर क्या है, सल्फर गंधक आपने नाम सुना होगा, पीले कलर की जो होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, सल्फर बोलते हैं। ठीक है, और देखिए जब सल्फर को जब पटाखे छोड़ जाते हैं तो कितनी स्मेल आती है, बहुत बुरी स्मेल आती है कि नहीं आती है, समझ मारा आप लोग को मेरी बात, तो ये जो SO2 गैस होती है बच्चे, इसके अंदर क्या होती है, बहुत बुरी स्मेल आती है, यानी एकदम दमसा घुटता है, अगर आप गंधक की ज़्यादा अगर सूंघोगे इसको, या गंधक को जलाओ फिर उसको अगर आप सूंघने का प्रयास करोगे, तो उसके अंदर बहुत जलन पैदा होती है इस गैस के अंदर। ठीक है, ये इससे दम घुटने का चांस ज़्यादा रहते हैं। समझ मारा आप लोग को मेरी बात, ठीक है, और दो बच्चों एक बात यहाँ पर और पूछ जाते हैं कि सबसे बड़ा प्रदर्शन ये जो SO2 है इसका, इसको कैसे समझा सकता है बच्चों, SO2 जो होती है ना, ये जो एटमोसफेयर वातावरण होता है, ये सबसे ज़्यादा प्रदूषित करती है, सल्फर डाइऑक्साइड जो वातावरण होता है एटमोसफेयर, इसको सबसे ज़्यादा प्रदूषित करती है। समझ मारा, क्योंकि इसके अंदर देखो ये तीव्र, इसकी जो गंध होती है ना बहुत तीक्ष्ण होती है, इससे दम से घुटता है। ठीक है, समझ मारा आप लोगों को मेरी बात, तो इस बात आपसे पूछा जाए तो ये जो SO2 होती है बच्चों, ये पर्यावरण को सबसे ज़्यादा प्रदूषित करती है, बहुत हानिकारक गैस है ये। ठीक है, अच्छा तो देखिए स्टैंड, और ये तो देखो इसकी एक मैंने ये विधि, दूसरी विधि बच्चों ये इसकी प्रयोगशाला विधि है, ये इसकी प्रयोगशाला विधि है, इसमें क्या होता है, सोडियम सल्फाइड और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया करके, सोडियम सल्फाइड, ठीक है, ये सोडियम सल्फाइड है और ये शांत सल्फ्यूरिक अम्ल है। ठीक है, इसकी अभिक्रिया करने के बाद आपका क्या बनता है बच्चों, सोडियम सल्फेट बनता है। ठीक है, साथ में एक वाटर का मॉलिक्यूल निकलता है। ठीक है, और ये क्या बनता है आपका, SO2 बनता है। कैसे हो रही है अभिक्रिया, देखो ये बच्चों देखो Na2 आएगा, Na2 आएगा और SO4 बच्चों ये आएगा, ये SO4, तो क्या बना, देखो Na2SO4 बनेगा, यानी इन दोनों को मिला करके, ठीक है, ये बना Na2SO4 बना। अच्छा अब देखिए H2O निकालना आपको, देखो H2 कैसे निकला, देखो H2 तो ये है ही, और ये SO3 है ना, एक ऑक्सीजन ले लो इससे, तो H2O बन जाएगा, ये है H2O। ठीक है, यानी H2 ये वाला और ये ऑक्सीजन यहाँ से, तो यहाँ पे अब ऑक्सीजन कितने बचेंगे, दो बचेंगे, तो आपका SO2 तो बचेगा, तो बच्चा SO2 ही आएगा। समझ मारे आप लोग, तो ये इसकी क्या प्रयोगशाला विधि है, ये इसकी प्रयोगशाला विधि है। ठीक है, और साथ में एक अभिक्रिया मैंने और बता दी है। ठीक है, आपसे प्रयोगशाला विधि पूछी जाए तो आप ये वाला बताएंगे, और आपसे कोई विधि अगर आपसे पूछ ली जाए तो आप सिंपल ये रिएक्शन को याद कर सकते हैं, सल्फर को ऑक्सीजन को व्यस्त जब जलाते हैं तो तुम्हारा SO2 बनता है। समझ मारा, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताई है, इसका नेचर कैसा होता है बच्चों, अम्लीय होता है,
ठीक है, ये सल्फर का यौगिक होता है, अणुभार 64 होता है, ठीक है, ये पर्यावरण को सबसे ज़्यादा प्रदूषित करती है, इसके अंदर जो गंध होती है बहुत तीक्ष्ण होती है, दम को घोटने का काम कर देती है, ठीक है, बहुत हानिकारक गैस है और ये पर्यावरण को बहुत ज़्यादा प्रदूषित करती है, ठीक है। और ये ऊन तथा रेशम के व्यंजन में इसका यूज किया जाता है, जब ऊन और रेशम का जब रंग उड़ाना होता है तो हम SO2 गैस वहाँ पर प्रवाहित कराते हैं, ठीक है। और इसके उपयोग मैंने आप लोगों को बताए थे पेट्रोलियम के शोधन में, सुक्रोज के शोधन में। तो आई होप कि ये सारी बातें बच्चों आप लोगों को याद हो गई होंगी। तो वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, इन क्वेश्चन को जरूर तैयार करें, आपका बायवास पूरी क्लास में सबसे अच्छा होगा बच्चों, इन्हीं क्वेश्चन में से आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।